देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। चुनावी माहौल के बीच हर पार्टी अपना हर संभव प्रयास कर रही है सत्ता में आने के लिए और इसी के चलते कांग्रेस ने अपना दांव खेला है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जयपुर से गारंटी यात्रा की शुरुआत करी है। सीएम गहलोत ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर से इस यात्रा को रवाना किया है और यह यात्रा 7 संभागों में 4400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सुबह गारंटी यात्रा मालवीय नगर और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से गुजरी। शाम को यात्रा का दूसरा चरण गोविंद देव जी मंदिर से शुरू हुआ जो छोटी चौपड़ पर जाकर खत्म होगा। शाम को यात्रा एक बार फिर गोविंद देव जी मंदिर से शुरू होगी। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की आराधना करने के दिन की यात्रा के दूसरे पड़ाव का आगाज किया है। इस दौरान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ में मौजूद नजर आए। हवा महल और किशन पॉल विधानसभा में सभा को भी सीएम गहलोत ने संबोधित किया है। गहलोत ने इस दौरान 7 गारंटियों को जनता के बीच रखा और साथ ही कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र भी शानदार होगा, लेकिन कांग्रेस की गारंटी यात्रा पर आगाज के एक दिन बाद ही ब्रेक लग गया है। बताया जा रहा है दीपावली के चलते कांग्रेस की गारंटी यात्रा कुछ समय के लिए रोकी गई है। अब 14 नवंबर से यात्रा फिर शुरू होगी। अब कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा पर 6 दिन का ब्रेक लग गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।